In this video, we will discuss Piaget's theory of cognitive development and what he said about different stages of cognitive development. So let's start this video. प्याजे ने अपनी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, इसमें इन्होंने कुछ बातें बताई हैं इसके बारे में। वो इस तरह है कि प्याजे ने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है मेंटल स्ट्रक्चर का बच्चों के अंदर टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, या इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं और एक के बाद एक जो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज सीखता है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। ये एक वन आफ्टर द अदर होने वाली प्रोसेस है और ये डेफिनेट स्टेजेस से होके गुजरता है। क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फिर उन्होंने कहा दूसरी जो सबसे जरूरी बात है और जो इस थ्योरी के साथ हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, वो ये कि हालांकि बच्चे जो हैं अलग अलग एज के हो सकते हैं जब वो इस स्टेजेस ऑफ मेंटल एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज से गुजर रहे हैं, लेकिन जो उनका पैटर्न होगा डेवलपमेंट का वो कॉन्स्टेंट और यूनिवर्सल होगा। यानी एक स्टेज पार करने के बाद ही दूसरी स्टेज आएगी, ये तय है। हाँ, एजेस का फर्क हो सकता है कि किस एज में बच्चा कौन से स्टेज पे है, इसमें फर्क हो सकता है। तो दो बातें इसको हमें हमेशा इस थ्योरी से जोड़ करके याद रखनी है और इस थ्योरी के को अगर हमें सही तरीके से समझना है। पियाजे ने अपनी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 2 इयर्स का पीरियड है। सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज फ्रॉम 2 to 7। दिस सेकेंड स्टेज ही हैज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज प्री कंसेप्चुअल फेज एंड इंट्यूटिव फेज। और इसके जो एजेस हैं वो प्री कंसेप्चुअल के 2 to 4 इयर्स हैं और इंट्यूटिव के 2 to 7 इयर्स हैं। थर्ड स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 इयर्स है। और लास्ट और फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 to 15 इयर्स। फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे ने फर्स्ट स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए कहा है क्योंकि इस स्टेज में बच्चे के अंदर कोई लैंग्वेज नहीं होती। सेकंड है कि अभी बच्चे की जितनी भी एक्टिविटीज हैं एनवायरनमेंट के साथ जो उनका इंट्रैक्शन है, वो या तो उनके 5 सेंस ऑर्गन्स पे डिपेंड कर रहा है या फिर उनकी जो मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, मसल्स से होने वाली जो एक्टिविटीज हैं उस पे डिपेंड है। इसलिए उन्होंने इस स्टेज का नाम सेंसरी मोटर स्टेज दिया है। तो जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब इस स्टेज में हो रहा होता है तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं घट रही होती हैं एक बच्चे के अंदर। सबसे पहले एट बर्थ द इन्फेंट एग्जिबिट्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। इनिशियली बच्चा जो है कुछ अनकोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज या रिफ्लेक्सेस करता है, जैसे कि सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। यानी ये अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न और बिहेवियर शुरू हो गया है बच्चे के अंदर जन्म लेने के साथ। लेकिन जैसे जैसे वो उसका एजिंग प्रोसेस शुरू होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर हो रहा है, जैसे 4 या 5 साल मतलब महीने आते आते तक, ये अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस, यानी ये अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे, सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, ये अब कोऑर्डिनेटेड सिंपल स्कीमास में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, स्कीमा को हमने पिछली वीडियोस में क्लियर किया है, एक्सप्लेन किया है। तो स्कीमा को अगर आपको जानना है तो आप पिछली वीडियोस से उसको समझ सकते हैं। तो अब इन बच्चों की जो अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस हैं, अनकोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज हैं जो वो हैपहजर्ड वे में चल रही हैं, अब उसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी और ये सिंपल स्कीमास में कन्वर्ट हो जाएंगे
और ये बच्चे को थोड़ी पोटेंशियल देगा ताकि वो कुछ क्लासेस ऑफ बिहेवियर, कुछ एक्टिविटीज कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, द इन्फेंट नाउ ट्राइज टू सक एनीथिंग विच इज पुट इनटू हिज माउथ। बच्चे के मुंह में कुछ भी दिया जाए तो वो उसको सक करना शुरू कर देता है। स्टेयर्स एट वॉट एवर ही सीज, जो कुछ भी वो देख रहा है उसको घूरता है। रीचेस, पहुंचने की कोशिश करता है। एंड ग्रैप्स, ग्रास्प करता है जो कुछ भी उसके हाथ में दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो वो बार बार करना सीख जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज के अब जैसे जैसे उसकी एजिंग और आगे जाती है और आठ आठवें या नौवें महीने में वो जा रहा है, द इन्फेंट इज एबल टू रिएक्ट टू ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड हिमसेल्फ। यानी कि अब जो बाहर की दुनिया की चीजें हैं उसके साथ वो सिर्फ रिएक्ट भी करना सीख रहा है। ही बिगिंस टू रियलाइज दैट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम आर सेपरेट फ्रॉम हिमसेल्फ एंड दे हैव देयर इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट एग्जिस्टेंस। प्रायर टू सच डेवलपमेंट हिज व्यू ऑफ एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट इज क्वाइट ट्रांजिटरी, दैट इज व्हाट इज आउट ऑफ साइट इज प्योरली आउट ऑफ माइंड। यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं पियाजे कि अब बच्चे के अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो उससे सेपरेट है, इस तरह की उसके अंदर एक रियलाइजेशन डेवलप होती है और वो जो है इससे पहले उसको ऑब्जेक्ट के बारे में जो उसकी सोच थी वो काफी मतलब धूमिल कह सकते हैं थी, उसकी क्लैरिटी नहीं थी और जो कुछ भी उनकी आंखों से दूर होता था वो बिल्कुल उनके माइंड में भी नहीं होता था। एग्जाम्पल इसका इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि जब भी कभी बच्चा एक टॉय से खेल रहा होता है और आप उस टॉय को ले लो और इसको कहीं छुपा दो और बच्चा तभी देख भी रहा है आपको, तब भी अगर वो बच्चे के सामने से टॉय को आप हाइड कर दे रहे हो, छुपा दे रहे हो और इस पूरे एक्ट को बच्चे ने वॉच भी किया है, उसके बावजूद भी वो उस टॉय के बारे में भूल जाएगा। For him, the toy placed under a blanket or hidden somewhere has disappeared. क्योंकि अभी इस स्टेज में अगर कोई चीज छुप गई है तो इसका मतलब है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं, खत्म हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इवॉल्व्स इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फेंट। अब धीरे धीरे लेकिन समय गुजरने के साथ, क्योंकि ये पीरियड हमारा जन्म से 2 साल तक की अवस्था है, तो 8वें 9वें 10वें महीने में जाते जाते बच्चे के अंदर एक ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगी कि नहीं, ऑब्जेक्ट अगर उसको नजर नहीं भी आ रहा है तो भी वो एग्जिस्ट करता है और वो उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना शुरू करता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि कभी आप एक टॉय को अब ब्लैंकेट के नीचे छुपा दो और बच्चा अगर आपकी इस एक्टिविटी को देख रहा है तो वो उसको, और या फिर आपने उस टॉय को लेके कहीं शिफ्ट ही कर दिया, इधर से उधर कर दिया, मतलब ब्लैंकेट या बेड से निकाल करके आपने बेड के नीचे छुपा दिया, तो बच्चा अब यहाँ पर भूलेगा नहीं उस चीज को, बल्कि वो ही विल प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट इट्स वेयर अबाउट और वो ढूंढने की कोशिश करेगा और उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ऑब्जेक्ट अभी भी मौजूद है, बस उसकी नजर से दूर है, और ही विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। व्हेन ही डज सो वी मे इन्फर दैट द चाइल्ड हैज बीन एबल टू सी और एक्सपीरियंस द ऑब्जेक्ट इन हिज माइंड बाय मेकिंग इट्स मेंटल इमेज। तो जब भी कभी बच्चा ऐसा करना सीख जाता है तो हम इससे समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर एक ऑब्जेक्ट की मेंटल इमेज बन गई है और वो समझ रहा है कि ऑब्जेक्ट्स भले ही उसकी नजरों से दूर है लेकिन ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल का पीरियड है। जब बच्चा इस स्टेज में आता है तो वो अपने जो सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज या स्किल्स थी उसके जगह पे सिंबल्स का भी इस्तेमाल करना सीखता है। और ये क्या है, इस स्टेज में आते आते बच्चे के अंदर
लैंग्वेज भी डेवलप हो जाती है, तो अब उनकी सोच को एक लैंग्वेज मिल गई है। अब जो कुछ भी वो सोच रहे हैं उसमें, या तो अपनी मदर टंग जो भी है उनकी उसमें, या जो कुछ भी उन्होंने स्कूल में कोई लैंग्वेज सीखा है, तो उनकी थिंकिंग शुरू हो जाती है। वो कुछ कुछ वर्ड्स भी बोलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे पहले था कि पहले वो सिर्फ रीच आउट करते थे किसी चीज के लिए, अब ऐसा नहीं है। अगर उन्हें कोई चीज की जरूरत है, सपोज करिए कि उन्हें पानी चाहिए, कोई ऐसी चीज है जो उन्हें चाहिए, तो वो पर्टिकुलरली उसका नाम लेकर के उसके बारे में पूछते हैं, मांगते हैं। इस स्टेज को पियाजे ने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्री कंसेप्चुअल फेज जो 2 से 4 साल का पीरियड है, और सेकेंड स्टेजेस इंट्यूटिव फेज जो 4 से 7 साल का पीरियड है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का फर्स्ट पार्ट है प्री कंसेप्चुअल फेज, जो कि 2 से 4 साल की का पीरियड है। इस 2 से 4 साल के पीरियड में जो बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन शुरू होता है वो बहुत रुडिमेंट्री होता है, बहुत ही बेसिक है। और इसमें हम कह सकते हैं कि इस अर्ली स्टेज में बच्चा जो है वो सीम टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय देयर नेम्स, यानी कि बच्चा अब वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स को उनके नाम से पुकारना या आइडेंटिफाई करना सीख जाता है, एंड पुट देम इन टू सर्टेन क्लासेस, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सबको वो अलग अलग नामों से जानता है और उनको अलग अलग कैटेगरीज या क्लासेस में सेपरेट करना भी सीख जाता है। हाउएवर दे यूजुअली मेक मिस्टेक्स इन दिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन, लेकिन इस कंसेप्ट फॉर्मेशन के दौरान बच्चा कुछ गलतियां भी करता है। जैसे कि दे थिंक ऑल मैन आर डैडी एंड ऑल वेमेन आर मम्मी एंड ऑल डॉग्स आर मम्मी, जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि जितने भी मर्द हैं वो सारे उनके डैडी हैं, या वीमेन आर देयर मम्मी एंड डॉग्स, उनको लगता है अगर उनके घर के कुत्ते का नाम मॉन्टू है तो वो फिर हर कुत्ते को मॉन्टू समझते हैं। तो ये अभी क्योंकि शुरुआती स्टेज है उनके कंसेप्ट फॉर्मेशन का, तो कंसेप्ट्स तो बन रहे हैं लेकिन साथ ही साथ बच्चा मिस्टेक्स भी कर रहा है उन कंसेप्ट्स को बनाने में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं प्री कंसेप्चुअल फेज का कि देयर मोड ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इज क्वाइट इलॉजिकल एट दिस स्टेज। अच्छा, सोचने की जो उनकी रीजनिंग है वो बहुत ही इलॉजिकल है। कैसे? ना ही इंडक्टिव रीजनिंग है, ना ही डिडक्टिव रीजनिंग है, बल्कि ट्रांसडक्टिव है नेचर में। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि द चाइल्ड एट दिस स्टेज वुड रीजन लाइक, वो कैसे रीजन करेंगे, कैसे आर्ग्यू करेंगे? As cows are big animals with 4 legs and a long tail, this animal is also big and has 4 legs and a long tail. Therefore, it is a cow. यानी कि क्योंकि काउ एक बड़ा एनिमल है, उसके 4 पैर हैं और एक लंबी पूंछ है, तो अगर उन्होंने कोई ऐसा एनिमल देखा है जो कि बहुत बड़ा है और उसके 4 लेग्स हैं और एक लंबी पूंछ है, तो वो ये समझेंगे कि हाँ हाँ ये भी काउ ही है। ठीक है, तो इस तरह की जो है गलतियां उनके शुरुआती के कंसेप्ट फॉर्मेशन स्टेज में या प्री कंसेप्चुअल फेज में देखा गया है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री कंसेप्चुअल फेज इज के उनकी जो थिंकिंग है दैट इज टू इमेजिनेटिव एंड फार फ्रॉम रियलिटी। हाउ इट मे बी सीम इन देयर प्ले एक्टिविटीज व्हेन अ ब्लॉक ऑफ वुड इज टर्न इनटू अ राइडिंग हॉर्स। अब इतनी इमेजिनेशन उन पावर उनकी होती है कि वो एक छोटा सा टुकड़ा है लकड़ी का, उसको वो राइडिंग हॉर्स समझ के खेलने लगते हैं, या मोटरसाइकिल समझ लेते हैं, या एक जो डॉल है उसको रियल बेबी समझते हैं। और इस स्टेज में दे आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और इस स्टेज में वो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग सेपरेट नहीं समझ पाते हैं। फॉर देम डॉल जो उनके हाथ में है वो उनको लिविंग बेबी जैसा लगता है जो कि क्राई कर सकती है, स्माइल या स्लीप, और वो उसको कभी कभी खेलते खेलते सुलाने भी लगते हैं। सिमिलरली द ड्रीम्स दे हैव आर फॉर देम रियल एंड कॉन्क्रीट इवेंट्स, अगर वो सपना भी देखते हैं तो उनको वो चीज भी रियल लगती है। इसके अलावा द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस
the child at this stage is concerned with his egocentric nature. यानी इस स्टेज में जो एक बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे के अंदर देखा गया है वो है उनका ईगोसेंट्रिक नेचर। अब ये ईगोसेंट्रिक नेचर से पियाजे क्या कहना चाह रहे हैं? बाय ईगोसेंट्रिक पियाजे मींस दैट द चाइल्ड कैन सी द वर्ल्ड ओनली फ्रॉम हिज ओन पॉइंट स्टैंड पॉइंट। यानी अब बच्चे को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उनके इन एंड अराउंड हो रहा है वो सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है। क्या है ये, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे he considers that the sun and moon are following him। उनको ऐसा लगता है कि सन और मून, क्योंकि जब वो चल रहे होते हैं तो वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये उनका पीछा कर रहे हैं, या फिर जो बारिश हो रही है वो उनको खुश करने के लिए हुई है। या ऑब्वियसली वॉट एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर हिम। या फिर कुछ भी है, ये चांद तारे सितारे फूल हवा, ये सब कुछ उनको लगता है ये उनके लिए है। He cannot think that people may have different opinion. उनको नहीं अभी पता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग opinion हो सकती है and their modes of thinking and conclusion जो है वो भी बहुत different होता है हर बच्चे का। और वो consider करता है himself as the center of a world और उसको लगता है कि वो इस पूरी दुनिया का center में है। और people who are supposed to perceive the things the way he does और उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो सोच रहा है वैसे ही सारी दुनिया सोच रही है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्री कंसेप्चुअल फेज। प्री ऑपरेशनल फेज का सेकेंड पार्ट है इंट्यूटिव फेज, जो कि 4 से 7 साल का पीरियड है। इस स्टेज में द चाइल्ड पजेसेस टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स एट अ मोर एडवांस लेवल। अब धीरे धीरे उसके जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो और मैच्योर होता जाएगा और एडवांस लेवल की तरफ जाएगा। जैसे कि नाउ ही विल अग्री दैट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास आर ऑल फ्रूट्स। उसको समझ में आने लगेगा कि हाँ एप्पल भी फ्रूट है, ऑरेंज भी और बनाना भी, हालांकि इनकी शेप कलर और टेस्ट में फर्क है, लेकिन इन अभी भी बट वॉट ही थिंक्स और सॉल्व्स एट दिस स्टेज इज कैरीड आउट इंट्यूटिवली। यानी कि अभी भी जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो इंट्यूटिवली कर रहे हैं, यानी कि अभी भी रादर देन इन अकॉर्डेंस विद एनी लॉजिकल रूल। यानी अभी उनके अंदर इतना कोई लॉजिकल रूल नहीं आया है और उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मान लिया, उन्हें बार बार समझाया गया तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है ऑरेंजेस एप्पल्स और बनानास डिफरेंट है, लेकिन वो फ्रूट की कैटेगरी में जाते हैं, लेकिन इनमें अभी कोई लॉजिकल जो है रीजनिंग पैदा नहीं हुई। इस तरीके से जो प्री ऑपरेशनल फेज है 2 से 7 साल का पीरियड, उसके बारे में हम एज अ कंक्लूजन कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे का हो रहा है, जो शुरू हो गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज के साथ, ऑल्दो द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और थिंकिंग इज सीन टू बी ऑपरेटेड थ्रू सिंबल्स, अब वो समझने लगे हैं इंस्टेड ऑफ मोटर सेंसरी एक्शंस। अब मोटर सेंसरी एक्शंस या सिर्फ नहीं रह गया है, अब उनके सिंबल्स आ गए हैं, लैंग्वेज आ गई है, येट हिज थिंकिंग एट दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड एज इलॉजिकल एंड विद फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उनकी जो सोच है उसमें दो चीजें प्रिवेलेंट है, एक तो कि उनकी सोच इलॉजिकल है और दूसरी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस की है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस सेकेंड स्टेज का जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं 3rd और 4th वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर योर कॉमेंट्स रिगार्डिंग